नमस्कार बंधुगण, वाइब्रेंट ओडिशा एजुकेशन को आपन को स्वागत। आज देखिबा हिस्ट्री सीरीज रो 14th वीडियो जिथरा आमे डिस्कशन करिबा पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी फॉरेन रूलर्स को विषय रे। सो प्लीज जॉइन अस, लाइक आवर फेसबुक पेज एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दीज आर द डिटेल्स ऑफ आवर फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। सो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सारा पर ए बेल आइकन टी को क्लिक करिबे, जादर कि मु जतबळ कोनसी नुवा वीडियो अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन आपन मन पखरे पहुंचि जिवो। ताले चालन देखिबा। सो लास्ट वीडियो रे हम डिस्कशन करथले मौर्य डायनेस्टी परे जो सब डायनेस्टी मना तयार हेतला। सो हम देखथले तीन प्रकार रूलर्स तापर आसले, नेटिव रूलर्स, फॉरेन रूलर्स एंड साउथ इंडियन रूलर्स। सो डिस्कशन करथले नेटिव रूलर्स को विषय रे, शुंग, कन्नो, सातवाहन नामक चेदी डायनेस्टी विषय रे। तो आज हम देखिबा फॉरेन रूलर्स को मन को मन थिले। सो लास्ट वीडियो रे हम किछ डिस्कशन करथले जे फॉरेन रूलर्स मन थिले इंडो ग्रीक्स, शक, पार्थियंस एंड कुषाण। सो आज तांको विषय डिस्कशन करिबा हमें। फर्स्ट देखंतु इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स माने पाखापाखी सेकंड सेंचुरी जो थिला बीसी, सेकंड सेंचुरी बीसी समय रे समाने भारत को प्रवेश करथिले थ्रू द खाइबर पास, जोटा कि वेस्ट थिला नॉर्थ वेस्ट रे, से खाइबर पास देखि समाने इंडिया को प्रवेश करथिले। सो दे आल्सो नोन एज बैक्ट्रियंस। ओके, सानको बैक्टेरियंस मध्ये को आउतला आ सेमन देखो तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो थिला, राजस्थान, गुजरात, जो अफगानिस्तान, कांदाहार, सही से एरिया को समाने रूल करथिले। तांकर फेमस रूलर थिले देखंतु मिनांडर, तांको मिलिंदा मध्ये को आजे बौद्ध धर्म ग्रहण कला पर तांकर नाम मिलिंदा आइतला। पूर्वर तांकर नाम थिला मिनांडर, वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय नागसेना और नागार्जुन। ओके, सो नाटिक मन रखिबा नागसेना और नागार्जुन को द्वारा ये बुद्ध धर्म को कन्वर्ट हेथिले। एंड इंडो ग्रीक्स आर फर्स्ट टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो तो क्वेश्चन बहुत थोड़ा आसे एटा हु इश्यूड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। सो इंडो ग्रीक माने जो मानते हैं गोल्ड कॉइन भारत में प्रथम प्रचलन करते हैं। टू इश्यू कॉइन्स व्हिच आर एट्रिब्यूटेड टू द किंग्स, राजा को जो चिन्ह थी कि प्रथम से मैंने कॉइन प्रचलन करते। ओके, आउ से कौन करते हैं इंट्रोड्यूस हेलेनिक फॉर्म ऑफ आर्ट, जो ग्रीक फॉर्म ऑफ आर्ट थिला हेलेनिक, व्हिच गेव राइज टू गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। सो तीन प्रकार आर्ट यहाँ पर आसला, आम पर डिस्कशन करवा गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आउ अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। सो जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट थिला सेतिरे समने जो इंडो ग्रीक आर्ट फॉर्म को प्रचलन करथिले जहाँ ना थिला हेलेनिक। नेक्स्ट जो मैंने आसते समान थिले द सकस, देखंतु सो तांकु साइथियंस मध्ये कहा जाए। ओके, सो दे रिप्लेस द इंडो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक को समान रिप्लेस करथिले। तांकर फेमस रूलर थिले देखंतु रुद्रदमन, रुद्रदमन थिले तांकर फेमस रूलर हु डिफीटेड सातवाहनस। ओके, आ सिस रुद्रदमन जे थिले ही रिपेयर्ड फेमस सुदर्शन लेक ऑफ द मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड गोटे फेमस लेक थिला सुदर्शन लेक, जहाँ से रिपेयर करथिले आ से संस्कृत को मध्ये बहुत प्राधान्य देथिले। सो 58 बीसी ख्रीष्टपूर्व 58 रे जे उज्जैन जे राजा थे विक्रमादित्य, देखु राजा विक्रमादित्य सी कौन करते शकंक विरुद्ध युद्ध बहुत भल से अगेन्स्ट बहुत लड़ी थे सी। सो से जो 58 बीसी को सी गोटे नुआ एरा प्रचलन होता कह जाए विक्रम संबद्ध, देखते जोटा कि आम भारत में प्रचलन होता है। आप देखिए बहुत कैलेंडर विक्रम संबद्ध लिखाई थाए, सो सही 58 बीसी रु स्टार्ट। नेक्स्ट देखो शकंक पर आसते पार्थियंस, जहाँ को पहलावा मध्य कहा जाए, पल्लव नुह पहलावा। ओके, सो से आसते जो पर्सिया ईरान पाखापाखर आसते, सो ओरिजिनली लिव्ड इन ईरान, देखु से पर्सिया थिला एटा। सो दे रिप्लेस द सकस इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तांकर जो फेमस लीडर थे सी गोंडा फर्निस, आउ तांको टाइम रे सेंट थॉमस केम टू इंडिया टू प्रोपागेट क्रिश्चियनिटी। या विषय रे बेसी किछ एते इंपोर्टेंट नाही, जस्ट फेमस रूलर मन लखे गोंडा फर्निस, सेंट थॉमस आसले टू प्रोपागेट क्रिश्चियनिटी, अ से ओरिजिनली लिव्ड इन ईरान, पर्सिया रो आसले से। नेक्स्ट देखंतु जोडा की सबटु इंपोर्टेंट फॉरेन रूलर द कुषाणस। सो दे केम फ्रॉम नॉर्थ ऑफ सेंट्रल एशिया, चाइना पाखा पाखी रे समान आसले, वन ऑफ द फाइव ईची क्लांस। ओके, सो दिस कुषाणस, सो दे रिप्लेस पर्थियंस इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पर्थियन को से रिप्लेस करे थे। फर्स्ट कुषाण डायनेस्टी फाउंडेड बाय कैटफिशेस वन, कुजुल कैटफिशेस कहा जाए। सो जोटा मोस्ट इंपोर्टेंट थी सेकंड कुषाण डायनेस्टी, जोटा कि वेरी पावरफुल डायनेस्टी थी, फाउंडेड बाय कनिष्का। ओके, कनिष्का जी कि सब इंपोर्टेंट रूलर कुषाण के मध्य।
କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପେଶାୱାର, ତାକୁ ସେମାନେ ପୁରୁଷପୁର ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ସୋ ପେଶାୱାର ଥିଲା ଏବଂ ମଥୁରାର ପରେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କନିଷ୍କ ୱାଜ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଅଶୋକା, ମନେ ରଖିବା ଏଇଟା, ସେକେଣ୍ଡ ଅଶୋକା କୁହାଯାଏ କନିଷ୍କାଙ୍କୁ। ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଏରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ 78 AD, ସେ 78 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶକ ଏରା। ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ ଏରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ କନିଷ୍କ କୁଶାଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଜିନିଷଟା, ତାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। କୁଶାଣ ମାନେ ଶକ ଏରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ କନିଷ୍କ, ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଶକାବ୍ଦ ନାଁରେ। ଓକେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଶକାବ୍ଦ। ସୋ ଏଇଟା ଆଉ କୁଶାଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଫୋର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ହେଇଥିଲା, କେଉଁଠି କୁଣ୍ଡଳବନ କାଶ୍ମୀରରେ ହେଇଥିଲା। ଓକେ ସୋ ବସୁମିତ୍ର ଏହାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ସୋ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କଲାର୍ସକୁ ପ୍ୟାଟର୍ନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ପାର୍ଶ୍ୱ ବସୁମିତ୍ର ଯିଏକି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଅଶ୍ୱ ଘୋଷ ଯିଏକି ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ୍ର, ଆଉ ନାଗାର୍ଜୁନ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀରେ କନଭର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଚରକ ଆମେ ଜାଣିଥିବାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଚରକ ସଂହିତା ଯିଏକି ଆୟୁର୍ବେଦର ବହୁତ ବଡ଼ ଜଣେ ସେଜ୍, ଚରକ ସଂହିତା ସୁଶ୍ରୁତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ସର୍ଜରୀ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସର୍ଜରୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ମଥର। ଓକେ ସୋ ଏମାନେ ଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍କଲାର୍ସ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ୟାଟର୍ନେଜ୍ ଲାଭ କରିଥିଲେ କୁଶାଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କୁଶାଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଡ଼ଲେସ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା କନିଷ୍କଙ୍କର। ଓକେ ସୋ ଏଇଟା ବହୁତ ଫେମସ୍। ସୋ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଦେଖିବା ଏହା ବିଷୟରେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଫର୍ ଜଏନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସଜେସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଅଥବା ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।